राउत इस मर्डर पर अब देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की जांच पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सौरभ वक्तानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा सिद्दीकी के घर से। क्या अपडेट है वहां से सौरभ? जी देखिए, इस वक्त बाबा सिद्दीकी की जो बॉडी है वो कूपर अस्पताल में है, जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस ये जांच कर रही है कि कितने गोलियां उनको लगी है, कहां कहां पर गोलियां लगी है और कितनी दूरी से गोलियां लगी है। ये जांच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं 9:15 बजे की ये जो घटना है बैंड्रा ईस्ट में, जहां पर जीशान सिद्दीकी जो कि उनके MLA बेटे हैं, उनके ऑफिस के बाहर वो जब आ रहे थे तभी ये फायरिंग हुई है। दुर्गा विसर्जन हो रहा था, उसके मौके पर फटाखे जलाए जा रहे थे और उसी का फायदा कर ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सांस नहीं चल रही थी, वो नॉन रिस्पॉन्सिव थे। घटना से जो दुर्गा विसर्जन के दौरान जो पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ था, वहां पर से ही दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ये महज 19 और 23 साल के लड़के हैं। तो मुंबई पुलिस का कहना है कि ये प्रॉपर सुपारी किलिंग है, यानी कि हैंडपिक किया गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन लड़कों को। उनको प्रॉपरली फंडिंग की गई थी, फंडिंग करने के बाद यहाँ पर उनको कहीं पर ठहराया गया था। गूगल मैप पे ये लोकेशंस गए थे 25 से 30 दिनों तक लगातार। बाबा सिद्दीकी कहाँ जा रहे हैं, उनका घर कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, NCB दफ्तर में वो कहाँ कब जा रहे हैं, ये सारी रेकी की जा रही थी, प्रॉपर मार्किंग्स की जा रही थी और एक एस्केप प्लान भी वहां पर तैयार किया गया था। अब सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि देखिए, इसमें दो एंगल सामने आ रहे हैं अंजा। सबसे पहले जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एंगल है वो तो जरूर है, लेकिन एक SRA का प्रोजेक्ट चल रहा था, एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको लेकर 15 दिन पहले बहुत बड़ी बहस हुई है, एक ट्विटर वॉर भी हुआ था और बाबा सिद्दीकी के जो लड़के हैं जीशान सिद्दीकी वो 2 दिन के लिए अनशन पर भी बैठे थे, उस डेमोलिशन को रोका गया और कई बिल्डर लॉबी उसके अंदर शामिल है। तो ये एंगल में भी मुंबई पुलिस जांच करी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये जो मकबा हाइट्स है अंजना, यहां की आप तस्वीरें देखिए कि पूरे रास्ते को बैरिकेड किया गया है, दोनों तरफ की जो पूरी आवाजाही है उसको रोका गया है। लगभग 1 घंटे का और समय है जब तक पोस्टमार्टम किया जाएगा। कई बाबा सिद्दीकी के जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सभी को ये कहा गया है कि वो फिलहाल अभी ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्पताल भी पहुंचे थे, जैसे सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, DCM देवेंद्र फडणवीस, तो ये सारे लोग लीलावती जरूर आए थे। तो उनका ये कहना था पुलिस ऑफिशियल्स का कि अब यहां पर कोई भी नहीं आए, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल में बाई प्रोटोकॉल प्रॉपरली पोस्टमार्टम होना होगा, प्रोटोकॉल्स के थ्रू प्रॉपरली वीडियोग्राफ किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर इस घर में जहाँ पर परिवार वाले मौजूद है, पुलिस ऑफिसर मौजूद है, क्लोज एड्स है अंजना, क्लोज एड्स है, क्लोज डिस्टेंस रिलेटिव्स है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या 15 से 20 दिन पहले कुछ बाबा सिद्दीकी ने कहा था, कुछ थ्रेट थी, किसी से कुछ झगड़ा हुआ था, ये सारी चीजें नोट की जाएगी। जो एकदम ही क्लोज फैमिली मेंबर्स है फिलहाल वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है।